हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको इस वीडियो में जो बताया जा रहा है वो समझ में आएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। पार्ट्स सेंटेंस के कितने प्रकार हैं? सेंटेंस जैसे कि क्या होता है, किसी बार सेंटेंस जो होता है पूर्ण भाव प्रकट करने वाला होता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, सेंटेंस की डेफिनेशंस भी पढ़ा दी है, सेंटेंस के काइंड्स भी पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में क्या हो, काम करने वाला हो, काम करने वाला यानी कि कर्ता। जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, या सेंटेंस में जिसके बारे में या विषय में जिसके बारे में बात कही जाए वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो होता है हमारा प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, राधा इज अ गुड गर्ल। तो किसके विषय में बात हो रही है यहाँ? राधा के विषय में बात हो रही है। तो राधा क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और इज अ गुड गर्ल, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्या है? गुड गर्ल है। तो ये जो पूरा वाक्य बचा ये क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट। आइए इसे हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हरी जंप्स, तो किसके विषय में बात हुई? हरी के विषय में बात हुई। तो हरी क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और जंप्स क्या हुआ हमारा? कि वो कूदता है, ये हुआ हमारा प्रेडिकेट। रिचा प्लेड, रिचा क्या करती है? खेलती थी। तो रिचा के विषय में बात हो रही है। रिचा क्या हुई? हमारी सब्जेक्ट हुई। और प्लेड क्या हुआ? हमारी प्रेडिकेट हुई। डॉग्स बार्क, तो डॉग्स क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और बार्क क्या है? हमारे प्रेडिकेट है। आशा करती हूँ कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ये सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है इसके भी टू पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा क्वालिफायर, एक होता है हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड। ठीक। अब ये क्वालिफायर क्या होता है? जो सेंटेंस में हमारा मेन वर्ड होता है या हेड वर्ड होता है उसको क्या करता है? ये क्वालिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता बताता है। हमने पढ़ा सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा सब्जेक्ट, एक हमारा प्रेडिकेट। ठीक। अब ये जो सब्जेक्ट है इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक हमारा क्वालिफायर और एक हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड। ठीक, सब्जेक्ट के दो पार्ट, एक क्वालिफायर और एक मेन वर्ड या हेड वर्ड। आगे चलते हैं। अब ये जो क्वालिफायर है, ये जो क्वालिफायर है इसके भी तीन पार्ट होते हैं, एक डिटरमिनर्स, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये डिटरमिनर्स क्या होता है? डिटरमिनर्स होता है, ये किसी बात को निश्चित करने वाला शब्द है। ठीक है, किसी बात को क्या करने वाला शब्द है? निश्चित करने वाला शब्द है। अब ये जो हमारा डिटरमिनर्स होता है ये हमारे आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। आर्टिकल्स आपको पता है हमारे कितने होते हैं? तीन, ए, एन और द। ठीक। तो ये जो हमारा डिटरमिनर्स है ये क्या करता है? ये किसी बात को निश्चित करने वाला शब्द होता है। ये हमारा आर्टिकल्स भी हो सकता है, ये हमारा डोमिनेस्ट्रेटिक एडजेक्टिव,
डोमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डोमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या? विशेषण, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये भी क्या है? हमारे डेमोनस्ट्रेटिव है, जो हमारे जो हमारे डिटरमिनर्स हैं वो हमारे आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो हमारे डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं। आर्टिकल जैसे ए, एन और द हो सकता है, दिस, दैट, दीज, दोज हो सकते हैं। इसके अलावा पजेसिव, जो पजेसिव होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पजेसिव? जैसे आई होता है हमारा सब्जेक्ट और मी होता है हमारा ऑब्जेक्ट और माई क्या हुआ? हमारा पजेसिव। तो ये हमारे डिटरमिनर्स हो सकते हैं पजेसिव से, माई, आर, योवर, योवर्स, आर, ये क्या है हमारे क्या हो सकते हैं? डिटरमिनर्स हो सकते हैं। डिटरमिनर्स क्या होता है? जो हमारे मेन वर्ड को क्वालिफाई करता है। और हमारे जो डिटरमिनर्स है वो हमारे आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो डोमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, वो पजेसिव हो सकते हैं, और इसके अलावा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी कि मात्रा तक, जो मात्रा प्रकट करने वाले थे, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, वो भी हमारे क्या हो सकते हैं? डिटरमिनर्स हो सकते हैं। जैसे मच, सॉरी सम, मच, एनी, फ्यू, ये सब क्या हो सकते हैं? हमारे डिटरमिनर्स हो सकते हैं। सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं? टू मेन पार्ट हैं। कौन कौन से? एक क्वालिफायर, एक क्वालिफायर और दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब इस क्वालिफायर के तीन पार्ट हैं, एक डिटरमिनर्स और एक एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये डिटरमिनर्स क्या है? जो क्या करें? किसी बात को निश्चित करें, वो क्या है? हमारे डिटरमिनर्स होते हैं। और डिटरमिनर्स क्या हो सकते हैं? हमारे आर्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे ए, एन और द। हमारे डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। पजेसिव हो सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे सम, मच, एनी, फ्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या है? हमारे डिटरमिनर्स है। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं जो क्या करें? विशेषता प्रकट करें। ये एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो विशेषता प्रकट करें किसकी? मेन वर्ड की। जैसे ए, बैड, बॉय, प्लेइंग, मैच। एक बैड बॉय क्या कर रहा है? मैच खेल रहा है। तो ए क्या हुआ इसमें? हमारा डिटरमिनर्स हुआ। और मेन वर्ड, मेन वर्ड क्या है? किसके विषय में बात हो रही है? हमारा मेन वर्ड है बॉय। मेन वर्ड क्या है हमारा? बॉय। और ये क्या हुआ हमारा? बैड। इस बॉय की क्या विशेषता है? बैड। तो बैड क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, समझ में आया? सब्जेक्ट के टू मेन पार्ट होते हैं, एक क्वालिफायर और एक मेन वर्ड। अब क्वालिफायर के तीन पार्ट है, डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, अब एडजेक्टिव एडजेक्टिव पढ़ लिया। हाँ, हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। देखो, जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, फ्रेज ये होता है वाक्य में ऐसा शब्द, ऐसा शब्दांश यानी कि जिसका अर्थ तो हो, कुछ अर्थ तो हो लेकिन पूर्ण अर्थ ना हो। जैसे मोहन इज सिटिंग इन द क्लास, जैसे फ्यू वर्ड्स आर सिटिंग इन द क्लास। तो सिटिंग इन द क्लास क्या है? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, जिसका कुछ अर्थ तो है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं है। आशा करती हूँ इतना समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं। देखो, अब इसमें ये जो टेबल है, इसमें केवल हमारे सब्जेक्ट के मेन टू पार्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के मैंने बताया तुम्हें मेन टू पार्ट है, एक क्वालिफायर है और एक हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड है। और इस क्वालिफायर के मैंने तुम्हें तीन पार्ट बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें क्वालिफायर क्या है या सेंटेंस में इसमें मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या है। देखो, ए बॉय जंप, तो ए क्या हुआ इसमें? क्वालिफायर हुआ हमारा।
क्योंकि इसमें डिटरमिनर्स नहीं पूछा हमारे से, क्योंकि डिटरमिनर्स क्या है, ये क्वालिफायर का ही एक पार्ट है। तो अब हम इसे डिटरमिनर्स ना बोलकर क्या बोलेंगे, इसे हम क्वालिफायर बोलेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। तो आ क्या हुआ हमारे यहाँ, क्वालिफायर हुआ। ए बॉय क्या हुआ हमारा, मेन वर्ड हुआ, हेड वर्ड हुआ। और जंप क्या है, ये है हमारा प्रेडिकेट, क्योंकि जंप ये है एक वर्ब, तो जो वर्ब है वो आती है हमारे प्रेडिकेट के पार्ट में। एन एक, और एगल चील, और फ्लू माने उड़ती है। तो मेन वर्ड क्या हुआ हमारा, इगल, और क्वालिफायर क्या हुआ हमारा, एन। तो ये जो सेंटेंस है जैसे दैट गर्ल सिंग्स, तो केवल इसमें क्वालिफायर और मेन मेन वर्ड को या हेड वर्ड को ही दर्शाया गया है इस टेबल में। आगे चलते हैं, अब ये देखिए टेबल। अब इस टेबल में क्या है, इस टेबल में आपको सब्जेक्ट सब्जेक्ट के दो पार्ट है, जैसे ये रहा क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब इसमें क्वालिफायर को आपको केवल दो पार्ट दिखाए गए हैं, दो है ना, एक तो डिटरमिनर्स को शो करा गया है यहाँ, और एक केवल एडजेक्टिव को, तीसरा पार्ट अभी नहीं दिखाया गया। तो सेंटेंस में तुम्हारे केवल तीनों पार्ट भी मिल सकते हैं और एक भी मिल सकता है, ए फैट बॉय प्लेट। तो अभी देखो, अभी एक क्वालिफायर में आ सकता था, लेकिन कब आ सकता था, जब वहां हमारे से डिटरमिनर्स ना पूछा गया होता। अब हमारे से क्वालिफायर का अलग पार्ट पूछ लिया गया डिटरमिनर्स, तो ये गया किसमें, ये कहां गया डिटरमिनर्स में। और एडजेक्टिव क्या हुआ हमारा, विशेषता प्रकट करा किसकी, मेन वर्ड की। ठीक है, जो मेन वर्ड की विशेषता प्रकट करे वो होगा हमारा एडजेक्टिव। जैसे अ फैट बॉय, तो बॉय की विशेषता क्या है, मोटा। द ब्लैक काउ, तो काउ क्या है हमारा, मेन वर्ड है, इसी के विषय में बात हो रही, और इस काउ की विशेषता क्या है, ब्लैक। और द इससे पहले क्या है, ये है हमारा डिटरमिनर्स। अगर हमारे से डिटरमिनर्स ना पूछा जाए, क्वालिफायर पूछा जाए, तो भी हम इसे क्वालिफायर टिक करेंगे। अगर डिटरमिनर्स में पूछा जाए तो ये भी हम डिटरमिनर्स में टिक करेंगे। आगे आप देख लीजिए, जैसे सम नॉटी बॉय क्वर्ल्ड, तो सम क्या हुआ हमारा, डिटरमिनर्स हुआ, और बॉयज क्या हुआ हमारा, मेन वर्ड हुआ या हेड वर्ड हुआ, और उसकी विशेषता क्या है, नॉटी, तो नॉटी क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। अब ये देखो, अब इसमें क्या है, तीनों पार्ट है, सब्जेक्ट के मेनली टू पार्ट होते हैं, एक क्वालिफायर होता है, एक होता है हमारा हेड वर्ड या मेन वर्ड। अब इसमें क्वालिफायर के तीनों पार्ट अलग अलग दिए गए हैं। देखो, अ ग्रीन पैरोट सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, तो ए क्या हुआ हमारा, डिटरमिनर्स हुआ, पैरोट क्या हुआ हमारा, मेन वर्ड हुआ, क्योंकि सारा सेंटेंस किस पर डिपेंड है, किसके विषय में बात हो रही है, पैरोट के विषय में बात हो रही है। और पैरोट की विशेषता क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। और सिटिंग इन द ट्री, देखो ये क्या है, एक शब्दांश है, शब्दों का समूह है, कुछ अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर बैठे हुए हैं, है ना, पर क्या बैठे हुए हैं, पूर्ण अर्थ तो नहीं है ना, तो ये क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। और फ्लू अभी ये क्या है हमारा, प्रेडिकेट है। लेकिन अभी हम किसके पार्ट पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के पार्ट, अभी हम प्रेडिकेट के पार्ट नहीं पढ़ रहे। एन ओल्ड मैन, अब ये मैन की विशेषता क्या है, ये मैन क्या है हमारा, मेन वर्ड है या हेड वर्ड है, और इसकी विशेषता क्या है, ओल्ड, तो ओल्ड हुआ हमारा एडजेक्टिव, एन हुआ हमारा डिटरमिनर्स, और विद अ लैंटर्न इज गोइंग, ये इज गोइंग क्या हुआ हमारी, प्रेडिकेट। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट, क्या पढ़ेंगे हम, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के पार्ट हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के पार्ट। देखो, प्रेडिकेट पढ़ने से पहले मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, जैसे मोहन बोट, मोहन बोट अप पेन। अब आपको पता है, पता चल गया मोहन हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मोहन के बारे में बात कही जा रही है। अब इसमें बस मोहन क्या है, एक ही वर्ड में है, ठीक है, एक ही शब्द में है। अब बोट अ पेन, अब ये क्या चीज है, अब हमें ये जानना है। वैसे तो हमें पता है ये प्रेडिकेट है, लेकिन हमें प्रेडिकेट को भी तो टुकड़ों में बांटना है। देखो, बोट है हमारी वर्ब, वर्ब क्या होती है, जो एक्शन वर्ब होता है इसमें, ठीक है, क्रिया, जैसे खाना पीना जाना
अब ये क्या कर रहा है, खरीदना। और आप एन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। अब हमें प्रेडिकेट को देखना है। अब देखो सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को कैसे निकाल सकते हैं, क्या ऑब्जेक्ट यदि हमें ढूंढना है तो हम उसे कैसे करेंगे, क्या क्या करके प्रश्न पूछेंगे। मोहन बोट आ पेन, क्या मोहन ने एक पेन खरीदा, मोहन ने क्या खरीदा, क्या खरीदा तो पेन खरीदा। पेन क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। पेन क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब एक चीज और देखते हैं, वाक्य में, वाक्य में जिस वर्ब के साथ, वर्ब के साथ कर्म, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, ट्रांसिटिव वर्ब। जो वर्ब किसके साथ हो, ऑब्जेक्ट के साथ हो, वो होती है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। क्या होती है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब, जैसे गिव। अब हम इसे ऑब्जेक्ट को मैंने कहा है हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या पर्सन करके गिव। अब गिव के साथ हम क्या लगाएं, जैसे मोहन गिव अ पेन, मोहन ने क्या दिया, मोहन ने क्या दिया, एक पेन दिया। तो गिव क्या है, हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, हम ऑब्जेक्ट की देखो, ये तो हमारी होगी वर्ब। प्रेडिकेट का एक पार्ट क्या हुआ, हमारा वर्ब, और दूसरा पार्ट क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ये दो प्रकार का होता है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, हमारा ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट के दो पार्ट पढ़ा रही हूं मैं, कौन कौन से, एक मैंने वर्ब बताया और एक आपको ऑब्जेक्ट बताया, ठीक। ऑब्जेक्ट का पता हम कैसे लगा सकते हैं, वाक्य में क्या क्या पर्सन करके, और ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, दो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, रिचा गेव मी अ बुक, तो रिचा क्या हुई इस सेंटेंस में, हमारी सब्जेक्ट हुई, और गेव क्या हुआ, हमारा वर्ब यानी कि हमारी क्रिया हुई, और मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और आ बुक क्या है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। अब रिचा क्या काम कर रही है, रिचा मुझे क्या देने का, पुस्तक देने का काम कर रही है, तो मुझे भी दे रही है वो, और क्या दे रही है, किताब दे रही है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, देखो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो क्या होती है, प्राय कोई वस्तु होती है, क्या होती है हमारी, प्राय कोई वस्तु होती है। देखो आपको क्या है, ये भी हमारी वस्तु है, और लेटर क्या है, एक पत्र, ये भी क्या है, हमारी वस्तु है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो, ये भी कहा जाता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी निर्जीव वस्तु होती है, क्या होती है, हमारी निर्जीव वस्तु होती है। और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा प्राय कोई पर्सन होता है, पर्सन यानी कि मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी, यानी कि इसे बोलते हैं हम, ये क्या हो सकता है, हमारा सजीव। जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सजीव होता है या कोई भी पर्सन होता है, और जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी कोई वस्तु होती है, या बोल सकते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सजीव होता है। माई फादर, माई फादर क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट। पोस्टेड क्या हुआ, हमें प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं ना, प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ रहे हैं हम, एक वर्ब और एक हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट पढ़ रहे हैं, दो, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, हमारा कोई भी पर्सन होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी प्राय कोई वस्तु होती है, या बोल सकते हैं वो निर्जीव होता है। माई मदर पोस्टेड मी अ लेटर, मेरी माँ ने मुझे क्या दिया, पोस्टेड करने के लिए दिया एक लेटर। मिस्टर शर्मा टॉट अस ग्रामर, तो मिस्टर शर्मा कौन हुए, काम करने वाले हैं सेंटेंस में, हमारे सब्जेक्ट, और वर्ब एक्शन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाने का काम चल रहा है, और अस क्या है, कोई पर्सन है ना, किसी को पढ़ाई जा रही है ना, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है ना किसी, ये तो ये अस कौन है, हमारे कोई भी पर्सन है, यानी कि इसका अर्थ होता है हमें। और ग्रामर क्या है, हमारी कोई निर्जीव वस्तु है, तो ये क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आशा करती हूँ प्रेडिकेट के दो पार्ट समझ में आएंगे, एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दो पार्ट, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा कोई भी पर्सन होगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हमारी प्राय कोई वस्तु होती है। आगे चलते हैं, रिचा गेव अ बुक टू मी, देखो अभी हम कहां पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा, इससे पहले वाले टेबल में हमने देखा कि यहां तो था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहां था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रिचा गेव अ बुक, तो ये बुक, अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता चल गया कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी प्राय कोई वस्तु होती है या निर्जीव वस्तु होती है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं रखना, चाहे सेंटेंस इधर से उधर हो जाए, हमें पता है कि ये निर्जीव वस्तु है और कोई वस्तु है तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये मी क्या है, कोई पर्सन है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस तरह से सेंटेंस लिखने में हमें क्या करना होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर का प्रयोग करना होता है, थ्री पोजिशंस का यूज करना होता है। जैसे माई मदर, वही सेम सेंटेंस है, माई मदर पोस्टेड अ लेटर टू मी, केवल मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर से उधर किया होगा। अब आपको पता चल गया होगा डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। आगे चलते हैं सब्जेक्ट, देखो अब ये देखो ऊपर हमने पढ़ी वो मेन वर्ब थी, और ये क्या है, हमारी वर्ब भी है, वर्ब भी जैसे क्रिया का होना। अब ये वर्ब भी क्या होती है, इज एम वाज वर, ये क्या है, हमारी वर्ब बी है, वर्ब बी। अब इस बी का क्या अर्थ होता है, बी का अर्थ होता है होना, और इसमें जो हमारा ये प्रेडिकेट है वो किसके रूप में है, हमारे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो पूरक, पूरक होते हैं, उस पूरक जो होता है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, या ये किसके रूप में हो सकता है, हमारे नाउन के रूप में। अगर इस तरह से छाटना है कि इसमें बताइए सब्जेक्ट वर्ब क्या है, तो दिस क्या है, हमारा सब्जेक्ट, इज क्या है, हमारी वर्ब भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इज एम आर वॉज वर्ब, ऐसे करके सेंटेंस था, उसमें वॉज पूछा गया था, ये कौन सी वर्ब है, तो कौन सी वर्ब है, ये हमारी वर्ब भी है। और इस तरह से सेंटेंस में जो इज होती है इसे हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो आप बुक क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट या नाउन है। माई मदर इज अ डॉक्टर, तो माई मदर क्या है, हमारा सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब भी है, और आवर डॉक्टर क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। आगे चलते हैं, देखो रिचा इज, रिचा हमारी सब्जेक्ट है, इज क्या है, हमारी वर्ब भी है, लेकिन ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है ये किसके रूप में है, ब्यूटीफुल, ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में है। रवि वॉज ऑनेस्ट, तो रवि हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारी वर्ब भी है, और ऑनेस्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट है किसके रूप में, हमारे एडजेक्टिव के रूप में। और यहां हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके रूप में है, नाउन के रूप में है। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है, थोड़ा सी भी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।